बाबा घूम के आ गए और अब मैं और मेरी भतीजी रीना, मेरी भतीजी भतीजा ये भतीजी नहीं भतीजा संस्कार सागर सागर और ये भांजी की बेटी की बिट्टी क्या नाम है शिवांगी, हम तीनों जा रहे हैं नर्मदा मैया की पूजा करने। तो अब भी दर्शन करके आएंगे और आपको कराएंगे। नाथ बजी जा रहा है पानी के लिए, पानी गाड़ी पर कोई बाबा है ये देखो मछली। मछली आ भी रही है कि नहीं आ रही? फिर दूर से लंबी करें। अरे हमारी हमारी मछली जी शिवांगी दोनों मच्छियों को आटा डाल रहे हैंगे और मच्छी भी आ रही है देखिए खा रही है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। और मेघा ने शिव जी का श्रृंगार कर दिया, देखिए माला चढ़ा दी, फूल चढ़ा दी और आरती होने लगी। आज इसके पापा नहीं आए, डेली बुआ आते हैं, भैया मतलब मेरे बुआ जी एक जन्मदिन पार्टी है जिसमें आडा है तो वहाँ पे गए वो फोटो निकालने के लिए। चलो रीना हो गई नहीं शिव जी की, अब नर्मदा मैया का आरती करूँगा जाओ। कितना ऑटो बचो बताना, चुका दो जल्दी जल्दी रीना, अब तू चुका, कितना तू चुका दे ले रीना। मच्छी आ भी रही है देखो, है नहीं चुग रही है, पहले बहुत बड़ी बड़ी थी लेकिन अब छोटी छोटी बची यार। बहुत छोटी है। आए उसके लिए देना है और फूल है दीपक है। लोरी ना दीपक जलाना। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली भाली, तुमरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा कर ताली, मैया अमर कंठ वाले तुम हो भोले भाले, भूर मंगर पर करी सवारी हाथ कमल का फूल,
सबको देती रिद्धि सिद्धि हमें गई क्यों भूल मैया, अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान, अभिमानी का मान घटाती खोती नाम निशान। मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, नहीं हमारा कुटुम कबीला नहीं मात और तात। हम तो आए शरण तुम्हारी शरण पड़े की लाज। मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, लाखों पापी तुमने तारे लगी नपल की देर। अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा दे देर। मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, झारखंड स्थान तुम्हारा दो धारा के पास। जहाँ शिव शंकर करे तपस्या उच्च शिखर कैलाश। मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, कागज की तो नाव बनाई छोड़ी सागर पार। धर्मी धर्मी पार उतर गए हो रही जय जयकार। मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, लाल चुनर तेरे अंग विराजे केसर तिलक लगाए। आली तेली चाल तेरी मोत चलो ले जाए। मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, नरबदा चार भुजाधारी तुम हो भोली भाली। तुमरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा कर ताली। मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, मैया भूर मगर पे सवारी तुम हो भोली भाली। तुमरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा कर ताली। मैया अमर कंठ भोली भाली, नमो नर्मदा मारे बा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। मारे बा के बालक है मैया दूध पिलावत है, रेवा तट पर धूम धड़ाका राम भजन का यही तड़ाका। भजलो रे मन चारो धाम गौरी शंकर सीता राम, गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजे सालिग्राम। बोलो संतो हरे हरे, नर्मदा मायरे वा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। भज रे भैरी वा, भज बाबई बाबा, भज भोले भोला, भज मैया मैया। नम पार्वते पतय हर हर नर्मदे हर बुरा मैया की जय। जबरदस्ती में चिल्ला दूई रोटी ले ली, बाका नहीं खांदी वन देख लो। बाकी चल भैया कोई बात नहीं, तू जा है इधर वो वीडियो नहीं बनता है। जय भैया, अंधेरा होने लगा। देखिए सभी लोग अब हम लौट के चल दिए, पूजा होगी नर्मदा मैया की, और आप सभी लोगों पर नर्मदा मैया की कृपा बनी रहे। ऐसी में नर्मदा मैया से प्रार्थना करता हूँ। दरस बिल मेरो जी नहीं मोने रे, नर्मदा मैया हूँ। जय हो नर्मदा मैया, जय माता रानी। हम लोग अभी आ रहे घूमते हैं भैया में, और बाबा लोग नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो है मालाखेड़ी रोड है, जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, और यहीं पर स्टेट बैंक एक ATM है, और यहाँ एक जूस सेंटर खुला है जहाँ पर परिक्रमावासी बाबा लोगों को जूस पिलाया जाता है, वो भी मुफ्त में बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए निःशुल्क जूस।
और देखिए बाबा जी अभी आए हैं और उनके लिए जूस से स्वागत हो रहा है। यहाँ पर सभी नर्मदा परगम्बासी बाबा को जूस दिया जाता है ना भैया। और इतनी भीषण धूप पड़ रही है अभी, जिसमें बाबा जी आए हैं और बाबा को आते से देखिए एकदम ठंडा ठंडा जूस दे दिया गया है। बड़े हैं और पैदल परिक्रमा है। बाबा जी नर्मदे हर, बाबा जी दो मिनट सुन लीजिए ना, आप कहाँ से परिक्रमा उठाई आपने? अमरकंटक से। आपका गुरु आश्रम? श्री अयोध्या धाम। अयोध्या धाम से आए जी? वाह बाबा जी, अयोध्या धाम के बाबा जी और हमारे नर्मदापुरम में जूस से स्वागत हुआ। बाबा जी आपको कैसा लगा जूस पीकर यहाँ पर? बढ़िया लगा बाबा। और सभी बाबाओं को फ्री है वहाँ पर? हाँ बाबू सब। तो बाबा जी आप थोड़ा नर्मदा मैया के महत्व के बारे में बताइए ना। नर्मदा मैया तो नर्मदा मैया है बाबा जी, उनके महत्व में क्या, सारा जग जानते हैं जो है उनके महत्व जो है, कहा नहीं जा सकता इतनी है न, एक मुख से क्या कहा जाए, अनंत मुख कौन सा भी नहीं कहा जा सकता है उनकी महिमा। तो बाबा जी मैं चाहता हूँ आप अपने मतलब अपने सिर मुख से अनुभव करते हैं महिमा को, तो सब अपने अपने में अनुभव करते हैं जी उनकी महिमा कितनी है, सो भी लोग अपने आप में अनुभव करते हैं जी। तो बाबा जी कोई भी छोटी सी एक कोई कथा आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कथा आप क्या सुनाओगे समझ में है ना, ऐसे ऐसी कोई भी बात जो लोगों उसको उससे शिक्षा मिले और सुन के उनके जीवन कुछ तो बदलाव आए। बाबा जी देखिए जो है प्रेरणा जो है जी कहने से नहीं व्यक्ति को करने से, क्रियामृत जो है करते हैं, करते करते व्यक्ति को अनुभव होता है ना। तो जैसे घाट में है, घाट की सफाई थोड़ा कर दिए घाट में गए तो जी, ऐसा जो है मैया की सेवा में जो है व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। माँ नर्मदा मैया की सेवा में सभी प्रकार से लगे रहना चाहिए जी। तो सब प्रकार से लगे रहने से व्यक्ति को जो है उससे खुद में परिवर्तित हो जाते हैं, व्यक्ति खुद ब खुद परिवर्तित हो जाते हैं। व्यक्ति सभी को जो है सबको अपने अपने सेवा में जो है लगे रहना चाहिए। ऐसे जिस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सेवा संघ है ना, तो अपने आप में सभी को सेवक समझना चाहिए जी। और सब अपने आप में सेवक अगर समझते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है। और सब सेवा भाव में रहना चाहिए व्यक्ति को, विशेष रूप से सेवा में रहने से व्यक्ति का अपने आप जो है जीवन में उज्ज्वल आ जाता है, उज्ज्वलता नर्मदे। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपने इतनी ज्ञान की बात बताई है। और इतनी धूप में बाबा जी आप थोड़ा विश्राम क्यों निकल लेते हैं? ये खेड़ापति मंदिर आ रहा है सामने, हाँ बाबा, वहाँ पर आप जल भी है वहाँ जी का, हाँ। और वहाँ बहुत ही शीतल छाया है, वहाँ विश्राम करिएगा। हाँ उसके बाद में आप कहाँ, सेठानी घाट जाएंगे आज रुकेंगे यहीं कि आगे बढ़ेंगे? सेठानी घाट में बाबू, सेठानी घाट रुकेंगे आज रात वहाँ, हाँ जगदीश मंदिर में। तो जगदीश मंदिर में आज शाम आप रुक जाइएगा, उसके बाद में कल सुबह चलेंगे। हाँ तो पहले नंबर तो परम श्री गार्डन आगा जहाँ से आप निकलेंगे, फिर खोजलपुर, फिर डोंगरवाड़ा, फिर हासलपुर, डंडाल, डंडाल के बाद में गोआश्रम सात धारा है, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, परकम्बावासी बाबाओं की सेवा होती है। उसके बाद में बंडुआ होते हुए ताल लंगरी, और ताल लंगरी में है आश्रम, बहुत ही सुंदर आश्रम है जिसका नाम है मधुर वाटिका, हाँ मधुर वाटिका आश्रम, जहाँ पर एक बाबा जी हैं जो गर्म रेत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं नर्मदा मैया की, हाँ, जिनकी सुबह 9 से लेकर नहीं और 3 बजे तक बैठते हैं वो, हाँ हाँ। तो बाबा जी उनके दर्शन भी करिए, और वहाँ पर सुबह 9 से लेकर रात्रि 9 बजे तक परकम्बावासी बाबाओं के लिए भोजन बना बना मिलता है, हाँ बाबू। तो आप जरूर वहाँ रुकिएगा, भोजन प्रसाद ही करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा बाबा जी, हाँ बाबू। और जय जय माता दी, जय नर्मदे मैया, आपके साथ बाबा जी बहुत अच्छा लगा, चार कदम से चल लूँ आपके साथ, चलिए बाबा जी नर्मदे नर्मदे चल लूँ तो मेरी भी नर्मदे मैया की परिक्रमा हो जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा बाबा जी, पता है जी बाबा जी। और इतनी तपती हुई धूप में देखिए बाबा जी चल रहे हैं, और प्रभु का नाम अगर सच्चे मन से लिया जाए तो तपती हुई धूप भी छाया के रूप में बदल जाती है। तो माँ नर्मदा इनके साथ है,